नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। तहसील गढ़ाकोटा अंतर्गत ग्राम खनपुरा में भगवान दास आदिवासी के घर अचानक आग लगने के कारण घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। जब उनसे इस बारे में जानकारी पूछी तो उनका कहना है कि मैं यहाँ बाजू में खेत पर काम पर गया था, वहां पर काम कर रहा था, तभी अचानक मेरे पड़ोसी ने मुझे आवाज लगाकर बुलाया कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। तो मैं वहां से दौड़ कर आया तो देखा कि मेरे घर में आग तेजी से बढ़ रही है। तब मैंने आसपास चिल्लाकर गांव वालों की मदद मांगी, फिर गांव वालों ने आग बुझाने में मेरी मदद की। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिसमें दो मोटर लाइन डालकर आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। जब भगवान दास और उनके बेटे महेश आदिवासी से बात की तो उनका कहना है कि घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। कपड़े, बर्तन, पैसे आदि सब कुछ रखा हुआ था। उनके पास रहने के लिए उनका छत था, जो भगवान ने वो भी छीन लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे गरीब की मदद करने से शासन क्या करता है। उसका सब कुछ जलकर राख हो चुका है। पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े तक नहीं बचे, रहने के लिए छत नहीं बचा, खाने के लिए अनाज नहीं बचा। ऐसे में इस गरीब व्यक्ति की मदद कौन करेगा, देखने वाली बात होगी। एमपी न्यूज कास्ट के लिए उमेश तिवारी की खास रिपोर्ट। आग पर काबू कैसे पाया आपने? सर, गांव वालों ने मदद दी थी, पानी मानी लाए, लाइट थी तो मोटर मोटर डाली, आग बुझा पाई बहुत देरी से। यहाँ पे तो मैं हटा ही नहीं, मैं तो काम पे गया था। गांव वालों ने खबर दी कि तुम्हारे घर में आग जल रही है। सर, हमारा तो कुछ ही नहीं बचा, सब जल गया। आपने पटवारी को सूचित किया क्या? किया तो है, बोला है तैयार है, मैं अभी लो नहीं आ पाया। हुआ, आग लग गई थी। कैसे लगी, जानकारी है कुछ? नहीं, मैं तो काम पे गया था, यहाँ आए तो आग लगी थी। आपको जानकारी कैसे लगी कि तुम्हारे घर में आग लग गई है? गांव वालों ने बताया कि आग लग गई तुम्हारे घर में। क्या क्या जल गया है? सभी जल गया जितना हाल में। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? हो गया 1.5-2 लाख का नुकसान। क्या क्या रखा था घर में? सभी रखा, 4-5 क्विंटल गेहूँ थे, बर्तन थे, पैसे थे। शासन से क्या मांग करते हैं हम? अब जो दे देगी तो ले लेंगे।